नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान की खास पेशकश गांव शहर चुनावी सफर। और आज इस सफर में मैं आ पहुंची हूं राजस्थान की आन बान शान कहे जाने वाले हिल स्टेशन माउंट आबू में, जहां पर हम बातचीत करेंगे जनता से, जानेंगे चुनावी मुद्दे, स्थानीय मुद्दे, आखिर यहां की जनता किसे चाह रही है, किसे समर्थन दे रही है। आगामी समय में विधानसभा चुनाव होने हैं, दोनों बड़ी पार्टियां मैदानों में है, तमाम सवाल आज जनता से किए जाएंगे। सर, क्या स्थानीय मुद्दे हैं यहाँ के, कितने कामकाज, आप जो विधायक हैं, आपके यहाँ से भाजपा का गढ़ रहा है, पिछले 15 सालों से भाजपा का अभिजय यहाँ पर, कितना खुश है अपने विधायक के काम? हम हमारे विधायक से पूर्ण रूप से खुश हैं। हमारा विधायक बीजेपी का है, सरकार कांग्रेस की है जी। सरकार ने कुछ माउंट आबू को नहीं किया। माउंट आबू राजस्थान का पर्यटन स्थल है, पर्यटन की दृष्टि से अगर देखा जाए, विकास आपके सामने नजर आ रहा है, नक्की झील के ऊपर खड़े हो, गार्डन आपके पीछे है। आबू के अंदर आने वाले पर्यटक को, स्थानीय लोगों को क्या राहत दी है, कड़ी से कड़ी जोड़ने की इन्होंने बात की थी। बोर्ड कांग्रेस का है, सरकार कांग्रेस की है, फिर भी जनता त्रस्त है जी। विकास के मुद्दे क्या है सर यहाँ पर? विकास के मुद्दे यहाँ की सफाई जी, जो पट्टा वितरण प्रणाली है वो, और जब भी कोई बात होती तो उसमें विधायक साहब अपने हिसाब से कहते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा इग्नोर किया जाता है प्रशासनिक तरीके से जी। सर, चुनाव की बात की जाए तो अब आगामी समय में कौन सी सत्ता आएगी, ये कहना तो बहुत बड़ी मुश्किल की बात है, लेकिन आप किसे चाह रहे हैं, क्या मुद्दे होंगे आपके कि ये सरकार आए तो ये काम करे? 100% भाजपा ही आएगी जी, ठीक है, क्योंकि भाजपा के ही राज में यहाँ पर जो भी है अव्यवस्था जो फैली हुई, वो भी उनका भी निस्तारण होगा और काम भी जो जैसा होता है वैसा ही होगा। जो यहाँ की जनता त्रस्त है वो भी खुशी का माहौल में बना रहेगा उनका भी। स्थानीय मुद्दे क्या है सर, विकास किस पैमाने पर नाप रहे हैं, अपने विधायक ने कितना काम काज करवाया? स्थानीय मुद्दा यहाँ से सबसे बड़ा है भवन निर्माण, कंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम बहुत बड़ा इशू है और हमारी सरकार आएगी तो प्राथमिकता से उसको निपटाएंगे जी। अभी भी आप ही की सरकार है? नहीं, हमारे प्रदेश की सरकार की कह रहा हूँ मैं जी। जी जी, जी। देखिए, और लोगों से हम बातचीत करेंगे, जानेंगे। सर, अब चुनाव होने हैं, हर जगह चुनावी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, चुनावी चर्चा में चुनावी मुद्दे क्या है आम जनता के? देखिए, सबसे पहला मुद्दा था हमारा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो इस राजस्थान की सरकार को, राजस्थान की सरकार ने जनता को जो दिया है, आम जनता को जो महंगाई राहत कैंप है, चिरंजीवी योजना का है, सिलेंडर को कम रेट करना, अभी पेट्रोल डीजल का जो भाव है उसमें भी स्थिरता कम करने किया गया, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा जो बजट आना चाहिए वो आता नहीं है, कंटिन्यू आता नहीं, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार, तो बीजेपी की सरकार को जो राजस्थान को जो बजट देना होता है, जो देना होता है वो देती नहीं है, इसलिए राजस्थान फिर भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने अपना एक संतुलन बजट बना के और आम जनता को दिया है। पिछले कई 5 सालों से जो दिया है वो बहुत कुछ दिया है और आने वाले समय में जनता कांग्रेस को वोट देगी, कांग्रेस की जो विचारधारा, कांग्रेस की जो जनता से जो समर्थन है वो काफी मिलता रहता है। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे प्रतिनिधि जो है बीजेपी के विधायक या बीजेपी के सांसद पिछले 15 साल से जीतते हुए आ रहे हैं, कम से कम उनकी 5 साल पहले सरकार थी, जब इन्होंने क्या लाभ दिया क्या नहीं दिया आम जनता के लिए, माउंट आबू हिल स्टेशन टूरिस्ट पॉइंट के जो पॉइंट है, तो टूरिस्ट का जो यहाँ का फ्लो बढ़ना चाहिए, उस बढ़ने पे हमारे विधायक जी, जो बीजेपी के विधायक जी, उन्होंने विधानसभा को ऐसा मुद्दा नहीं उठाया कि आम जनता के माउंट आबू के टूरिस्ट के लिए कोई फैसिलिटी देवे या कोई बजट देवे। आज तक 15 साल से बीजेपी शासन, बीजेपी 5 साल पहले सरकार में ही और 15 साल से भी। सर, आपके पास सर सड़क, पानी, बिजली, ये मूलभूत सुविधाएं हैं माउंट आबू में, है प्रॉपर तरीके से? प्रॉपर तरीके से मूलभूत सुविधा है, कि देखो वर्षा यहाँ ज्यादा होती है, इस कारण थोड़े बहुत खड्डे रहते हैं, बाकी अशोक गहलोत जी ने सरकार बनाई, उसके बाद में यहाँ कांग्रेस का बोर्ड बनाया 5 साल से, जो माउंट आबू में इतने सालों में राहत नहीं मिली वो इस बोर्ड ने राहत दी। क्या कुछ राहत के काम किए? राहत के काम में जो 1986 पट्टे नहीं मिलते थे यहाँ पर, अब पट्टे सबको मिल रहे हैं यहाँ पर। इंदिरा रसोई में जो भूखा कोई गरीब सोता नहीं है, हर रोज खाना खा के सोते हैं यहाँ पर जी। ऐसे कई मुद्दे से सरकार वापस रिपीट है। बिजली बराबर आती है, हिल स्टेशन है बराबर आ रही है जी। और क्या कुछ परेशानियां हैं जो आप परेशानियों को सहन कर रहे हैं और आने वाली सरकार से चाहते हैं कि इसमें राहत? सरकार की तरफ से तो कोई परेशानी नहीं है, सारी स्थानीय मुद्दे क्या है सर, हम चर्चा स्थानीय मुद्दों को लेकर कर रहे हैं कि यहाँ की आम जनता क्या चाह रही है आने वाली सरकार से। यहाँ पे आम जनताओं को तो सब कुछ मिल रहा है, इसे सर आम जनता क्या चाहेगी? देखो पट्टों की सुविधा सबको मिल रही है, फिर राशन किट घर घर बंटवा रही है सरकार, फिर मोबाइल का भी चालू हो गया है, तो हर चीज में सरकार अव्वल का काम कर रही है, इससे कोई मुद्दे ही नहीं है। मुद्दे ही नहीं है बीजेपी के पास, तो मुद्दे ही नहीं है जी, जी। इसलिए वो सोचेंगे कि मुद्दा क्या चाहे जीतने के लिए, इससे कुछ मुद्दा नहीं उनके पास, कांग्रेस से सारे काम करवा रही है, काम कर रही है। सर, क्या कहना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में किस विकास कार्य की कमी है और वो होने? सर, पूरे हमारे क्षेत्र के अंदर बोर्ड हमारा कांग्रेस का है, कांग्रेस की सरकार है और सबसे ज्यादा पट्टे इसी सरकार ने दिए हैं, 750 पट्टे दिए आज दिन तक, और इससे पहले बीजेपी गवर्नमेंट थी मात्र 3 पट्टे दिए हैं जी।
और इस गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा पट्टे दिए और भी देने की, राहत देने की कोशिश कर रहे हैं सरकार ने, जितनी सुविधा देने की करी है सरकार ने, कोई मुद्दे नहीं है। यहाँ से विधायक जो हैं उनके कामकाज को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा काम किया है विधायक के बारे में तो ये कह सकते हैं कि जीरो है। 15 साल से यहाँ पे बीजेपी का विधायक है, उसने कोई आबू के हित के लिए कोई बात की नहीं है और न आबू के डेवलपमेंट के लिए कोई बात की है, न उसने विधानसभा में कुछ बोला है। यहाँ तक कि जो 15 साल से एमपी भी यहाँ पे है वो भी बीजेपी गए, वो भी कभी इधर आके झांका नहीं कि माउंट आबू में क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, या उन्होंने कभी केंद्र में उस बात को उठाया हो। तो यहाँ का विधायक के बारे में तो अब मेरी तरफ से तो मैं देखूँ तो मार्क उसको जीरो ही मिलता है। जी ये क्या सर, करनी और कथनी में फर्क है? बिल्कुल, इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। आज लोकल एमएलए है समाराम जी, आज उनके पास ये राइट है कि वो विधानसभा के अंदर यहाँ के कोई मसले हैं तो उसको उठावे, या उनके पास में जो बजट आता है उससे कुछ गरीबों के लिए या पर्यटक के लिए, पर्यटकों के लिए कोई नया इन्वेस्ट वगैरह करवावे, ऐसा उन्होंने आज तक नहीं किया है। और आज वैसे स्थानीय मुद्दे कुछ भी नहीं है, आप साफ सफाई देख ले, आज बरसात की वजह से ये गार्डन वगैरह थोड़े खराब हो चुके हैं, तो इनका भी यहाँ पे जो बोर्ड है कांग्रेस का बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और आज ये जो बीजेपी के सामने हमारे भाई बंद खड़े हुए हैं इनको भी पट्टे नहीं मिल रहे थे, लेकिन आज कांग्रेस बोर्ड ने इनको पट्टे दिए। आज पूछ लीजिए आप इनको, इनको पट्टे अवेलेबल दिए, घर घर जाके इनको पट्टे दिए। सर बात की जाए माउंट आबू की, तो माउंट आबू पर्यटकों के लिए बहुत खास स्टेशन माना जाता है आसपास के राज्य से, और खासतौर पर विदेशी पर्यटक भी यहां पर कूच करते हैं, तो ऐसे में पर्यटकों की दृष्टि से देखा जाए तो माउंट आबू एक हिल स्टेशन है, सबका पसंदीदा पर्यटक स्थल है, पर्यटकों की क्या सुविधा रहती है? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पिछले 15 वर्षों से हमारे समाज जो सामने वाले बंधु हैं दूसरे दल के, अगर 15 साल से जनता उनको वोट दे रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो वो संतुष्ट है हमारे काम से, भारतीय जनता पार्टी के काम से, हमारे विधायक के काम से। समाराम जी ने पिछले 1 वर्षों में माउंट आबू को लेकर 4 ट्वीट, 3 बार विधानसभा में प्रश्न उठाया, नहीं है तो मेरे पास कॉपी है, मैं सामने वाले बंधुओं को दिखा देता हूँ। यहाँ पर अपने निजी लोगों को, मैं ये नहीं कह रहा यहाँ पे एक बिल्डिंग बन रही है, कोई कांग्रेस के सामने बंधु बैठे हैं, इनमें से किसी एक बंधु ये बता देगा कि हमने इसके लिए आवाज उठाई है। हम कह रहे हैं वो बिल्डिंग बने 20 माले और ऊपर हो जाए, हम चाहते हैं कि मौंड के स्थानीय नागरिक को जो गांव ढाणी में बैठा उसका भी फायदा हो। दूसरा, अब आते पूरे विधानसभा क्षेत्र पर, 2009 से लेकर 2013 तक कांग्रेस की विधायक थी, वहां पर भाकर एक क्षेत्र है, वहां पर रपट में एक शिक्षक मर जाता है जिस पुल के नहीं होने के कारण, लेकिन 5 साल में वो आदरणीय विधायक मोदी कांग्रेस की एक भी पुल नहीं बना सकी। समाराम जी आए, उन्होंने उसी भाकर क्षेत्र में जो कांग्रेस का बहुमूल्य था, जहां सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस को मिले, आज उनको एक भी मत पेटी से कांग्रेस को वोट नहीं मिलता है। समाराम जी के नेतृत्व में आबू पिंडवाड़ा का चौमुखी विकास हुआ है, चाहे वो छात्र छात्राओं का आवास की बात हो, 5 छात्र छात्रा का आवास निकले, किसानों की बात हो, 1 किलोमीटर का रजिस्ट्रेशन एरिया कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता था। मैं धन्यवाद देता हूं आपके माध्यम से हमारे समाराम जी को, जिन्होंने इस आवाज को विधानसभा में बुलंद करी और हमारे किसान भाइयों को 1 किलोमीटर के रजिस्ट्रेशन में कंस्ट्रक्शन को खुलवाया। मैं धन्यवाद दूंगा आपके माध्यम से समाराम जी को कि माउंट आबू के अंदर बायलू जो पास होने वाला था, या जो सबसे बड़ी समस्या उसको लेकर भी समाराम जी ने समय समय पर सरकार को चेताया। यहाँ एक बड़ा स्थानीय मुद्दा देखा जाता है कि यहाँ प्रॉपर्टी के निर्माण करने में काफी दिक्कतें आती है। मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि माउंट आबू हिल स्टेशन है और हिल स्टेशन की सबसे बड़ी जो प्राथमिकता होती है वो सुंदरता और सफाई। सुंदरता और सफाई, आप भी माउंट आबू में घूमी होगी, सफाई की क्या व्यवस्था है। अब कुछ लोग बाहर से आते हैं और कंपैरिजन करते हैं इंदौर जैसे शहरों से, तो हमको शर्म से आंखें झुकानी पड़ती है। और दूसरी बात, सुंदरता के अंदर सिर्फ गार्डन और दूसरे सुंदर नहीं होनी चाहिए, बिल्डिंग है जो पुरानी हो चुकी है, जो जर्जर हो चुकी है, वो भी सुंदर दिखनी चाहिए। वो सुंदर नहीं दिखने के कारण पिछली कई सरकारें आई है और पिछले कई टाइम तो इन लोगों के माउंट आबू को न तो टूरिस्ट मैप के ऊपर कोई स्थान मिला है वो, और न इस क्षेत्र में कोई बड़ा कार्य हो पा रहा है जिससे कि माउंट आबू सुंदर दिखे और पर्यटक यहाँ आकर्षित होवे। सर महंगाई के हालात प्रदेश में क्या? नहीं, महंगाई तो बिल्कुल नहीं, हमारे मुख्यमंत्री ने 10 गारंटी योजना दी है, 10 गारंटी, महिलाओं का 500 रूपये में सिलेंडर दिया, महिलाओं का स्मार्टफोन दिया है और बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया, 50% महिलाओं को आरक्षण दिया रोडवेज बसों में। और क्या, पेट्रोल तो सर इससे मध्य प्रदेश में जाके देखो केंद्र से महंगा है, केंद्र ने पंजाब हरियाणा दिल्ली में जाइए। नहीं नहीं कोई नहीं है मैडम, केंद्र सरकार सेस बढ़ा रखा है, केंद्र सरकार ने सेस बढ़ा रखा है, डीजल पेट्रोल महंगा है, सबसे महंगा पेट्रोल सबसे महंगा मध्य प्रदेश में है जो बीजेपी शासित है। और केंद्र सरकार जो पहले 3 रूपए 56 पैसे डीजल पे टैक्स था, उसको 32 रूपए प्रति लीटर तक उन्होंने टैक्स को लूटा है, आम जनता से लूटा है, इस वजह से महंगा है। पहले पेट्रोल 70 रूपए था, आज 100 रूपए से ऊपर हो गया है, चाहे कोई भी राज्य हो।
कोई भी राज्य में वहाँ 100 रुपए के लगभग है। अगर यहाँ 5-10 रुपए ज्यादा भी है तो दूसरी इतनी सारी सुविधाएं है, इंदिरा रसोई जैसी है, चिरंजीवी योजना जिसमें 25 लाख रुपए का आम जनता को बीमा मिलता है, मेडिक्लेम मिलता है, ऐसी कई सुविधाएं है जो राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। आज गरीबों के लिए महंगाई, आप देख लो ये बौखलात से आपको मालूम पड़ रहा है ना, ये बौखलात है, बीजेपी के बौखलात, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए बौखला रहे, इस तरह चिल्ला रहे हैं, ये इस तरह चिल्ला रहे हैं, ये हकीकत है, ये इनके सामने आ रही है। महंगाई के लिए सरकार ने बहुत राहत दे रखी है, हर चीज में राहत दे रखी है, लाइट है, पानी है, हर चीज में सरकार सब बिजली भी कर रही है, लाइट में भी कर रहा है सब। और क्या कहना चाहिए, जनता बहुत त्रस्त है महंगाई से भी, और यहाँ स्थानीय मुद्दे भी है, रोड भी अच्छा नहीं है, कोई पानी भी अच्छे शुद्ध पानी नहीं दे रहे हैं, और यहाँ विकास के नाम पे लोगों को ठगा जा रहा है। दो बड़े मुद्दे हैं अभी चुनाव में, महंगाई और विकास। नहीं, विकास तो राजस्थान में हुआ है और माउंट आबू विकास तो हुआ ही है, ऐसा नहीं है। और महंगाई का तो देखो, अब ओवरऑल ऑल इंडिया लेवल पे महंगाई है ही है, उस अकॉर्डिंग अगर राजस्थान में देखी जाए तो वो है, लेकिन उस हिसाब से सही है जैसे सेंट्रल हिसाब। आबू का जो विकास का मुद्दा है, माउंट आबू के अंदर जो बीते समय की आदिवासी बस्ती है आज भी मूलभूत सुविधा से वंचित है, आज देश आजाद होने के बाद भी आज भी गुलामी की जिंदगी जी रहे। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, देश आजाद होने के बाद भी हम लोग गुलामी की जिंदगी जी रहे, किसी भी पार्टी ने इस आदिवासियों के विकास के लिए कोई चर्चा नहीं की, आज भी गुलामी की ये इनको दिखा दो, ये बोलेंगे नहीं कि माउंट आबू की तस्वीर है, ये माउंट आबू की तस्वीर है जो राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है, ये आदिवासियों के साथ भेदभाव है। वो 7 बार कैंडिडेट कांग्रेस का जीता गया है, 7 बार हमने कांग्रेस कैंडिडेट भेजा है, कांग्रेस की सरकार कई बार बनी, लेकिन लोग झूठे जहां से देखे जाते हैं कि हम ये कर लेंगे, जीतने के बाद जब इलेक्शन आता है तो जीतने के लिए झोपड़े में जाते हैं, जब जीतने के बाद सीधे होटलों के अंदर ये पार्टी करने जाते हैं। मैं दोनों पार्टियों कहता हूं कि आबू के अंदर आदिवासी मूलभूत सुविधा से वंचित है, एक बार आप मेरे गांव का दौरा करके देख लीजिए, मैं कह रहा हूं 80 साल पुरानी बस्ती है, सबसे पुरानी बस्ती है। क्या सुविधाएं आप चाह रहे हैं वहाँ? मूलभूत सुविधा हमको लाइट पानी चाहिए, लाइट पानी है नहीं, बच्चा शिक्षा से भी वंचित हो रहे हैं, और वहाँ से राजस्थान लेवल के नेशनल लेवल के प्लेयर हॉकी के और फुटबॉल के खिलाड़ी निकले हुए हैं, जो पुलिस में और पोस्ट ऑफिस में भी है, अभी पुलिस से रिटायर हुए, एक्सपायर हो गए, लेकिन वहाँ आदिवासियों के साथ मूलभूत सुविधा बिल्कुल दी जाए। उसके पास में सेन में स्कूल है, और बहुत बड़ा डैम है जो पूरा आबू में पानी सप्लाई होता है, लेकिन वहाँ के आदिवासी पानी के लिए वंचित है कि 4-4 घंटे बच्चे स्कूल नहीं जाते, उस समय पानी आता है, एक दिन छोड़ के एक दिन बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, कभी बेटा पानी बनना पड़ेगा, चंबल लगा के वहाँ खड़ा ना पड़ेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य की बराबर है, ये बराबर है, और माउंट आबू के अंदर अतिथि बहुत स्वागत किया जाता है, टूरिस्ट आता है यहाँ घूमने, यहाँ से नगर पालिका को लाखों रुपए इनकम होती है, करोड़ों रुपए इनकम होती है, मगर टूरिस्ट को कोई सुविधा नहीं मिलती, सबसे बड़ी यहाँ समस्या पार्किंग व्यवस्था नहीं है। महंगाई राहत कैंपों की बात करें सर, आप गए महंगाई राहत कैंप में, गारंटी मिली? जी महंगाई राहत में गया, बिल्कुल नाटक है, ढकोसला है, आम पब्लिक को कुछ नहीं मिल रहा है और उनको ठगा जा रहा है, किट में भी इनको किट भी प्रॉपरली नहीं है, किट में मिर्ची वगैरह कई लोगों की शिकायत है। जी सर से जानेंगे, सर कैंप में गए, 10 गारंटी दी सरकार ने, कितनी मिली आपको? यहाँ पे जो मुख्यमंत्री ने इन्होंने जो मोबाइल की जो सुविधा निकाली है, उनके लिए भी पब्लिक को यहाँ से धक्के खाने को पड़ रहे हो, इनके लिए आबू रोड जाना पड़ रहा है, उनको यहाँ पे बूढ़ी बूढ़ी औरतें बिचारी आबू रोड तक जाना पड़ रहा है, ये सुविधा भी इनको इससे भी वंचित है वो। 2030 की बात कर रहे हैं सर कांग्रेस सरकार, 2024 का क्या हालात है राजस्थान? 2030 की बात है, 2023 की बात कीजिए, चुनावी वर्ष के अंदर महंगाई रात कैंप लगता है, 4 साल कहाँ थे? चुनावी वर्ष के अंदर आप स्थिति देख लो, हमारे पड़ोसी राज्य गुजरात के अंदर पेट्रोल सस्ता है, राजस्थान में महंगा है, 2 दिन पेट्रोल पंप के पेट्रोल डीलर्स हड़ताल करते हैं, जनता को कहते हैं त्राई त्राई करते हैं, महंगाई किया, सबसे पैसा होता ट्रांसपोर्ट, अगर महंगा होता तो सब चीज महंगी होती है, आज घर घर ये फूड पैकेट बांट रहे हैं, सिर्फ ये चुनावी घोषणाएं हैं और लोगों को इस तरह की लालच दे रहे हैं, अगर इन्होंने काम किया होता तो क्या जरूरत थी महंगाई राहत कैंप की, अगर इन्होंने काम किया होता तो क्या जरूरत थी ये राहत पैकेट देने की, इन्होंने महंगाई खुद की है, इन्होंने भ्रष्टाचार किया, राजस्थान के अंदर बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। कि आने वाली सरकारों से आपकी क्या डिमांड है मैडम, क्या चाहती है कि आने वाली सरकार महिलाओं को ये राहत दे? महिलाओं को एक तो सुरक्षा चाहिए हर जगह पर, जहां पर भी वो जाते हैं उन्हें किसी भी चीज में सुरक्षा का अभाव महसूस होता है, कहते हैं लेकिन उनको खुद को फील नहीं होता है कि हर जगह पे जैसे बस है ट्रेन है ऐसे, और हिल स्टेशन जैसी जगहों पे ड्रिंक करके इस तरीके से ड्राइव करना और ये सारी चीजें हैं, तो उस चीज में महिलाओं को सुरक्षा का अभाव महसूस हो रहा है, तभी वो अपनी शिकायतें रखती हैं, लेकिन शिकायतें पेपर पे ही रहती हैं। कानून व्यवस्था के हालात पैसे दो और काम करवाओ वैसे हालात है, उसमें भी कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत कोई अच्छा सा काम हो रहा हो।
यहाँ पर सारी चीजें जैसे पट्टे वगैरह की भी बात है उसमें भी अंदर खाते कुछ और ही चल रहा है, जो जिनको नीड है उनको मिल रहे नहीं है, जिनसे फायदा हो रहा है उनको मिल रहे हैं काफी चीजें। मैम बात करें, एक तरफ सरकार बजट पेश करती है राहत प्रदान करने के लिए, दूसरी ओर रसोई के बजट बिगड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, वो तो है कि यहाँ पे भी सिलेंडर कहते हैं कि 500 रुपए पहले बढ़ाए, अब कम कर दिया, फिर ये तो राजस्थान सरकार की है कि फिर बढ़ा देंगे, अभी उनकी किसी की भी सरकार राजस्थान की सरकार आएगी तो बढ़ा देंगे फिर वो करके। तो बात वो है कि राहत तो कहीं भी नहीं मिल रही है, सिर्फ ये बात सही है कि सिर्फ पेपर पे सारा सब कुछ हो रहा है, एक्चुअल में कुछ हो रहा नहीं है। और जहां तक लेडी महिलाओं पे अत्याचार, तो पूरे राजस्थान की आप स्थिति जानते हो, सबसे ज्यादा अत्याचार ही राजस्थान में महिलाओं पे हो रहा है, और उसके ऊपर कोई मतलब कोई भी उसके ऊपर कोई वो एक्शन नहीं ले रहा है। और बस यहाँ जहां तक हमारे विधायक की बात है, वो आते हैं, वो उनकी पूरी कोशिश करते हैं कि आगे तक हमारी बात पहुंचाए, जहां तक उनकी पहुंच है वो पहुंचाते हैं बात, और जितना उनके हाथ में होता है वो काम करते हैं। देखिए यहाँ पर यूथ भी मौजूद है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे सर युवा के मुद्दे क्या है। मैम युवा के कोई मुद्दे नहीं है राजस्थान में, राजस्थान में जो डेवलपमेंट है वो पूरे स्टेट्स किसी और स्टेट्स में नहीं है। आप सेंट्रल को देख लो, सेंट्रल में जो सुविधा मिलनी चाहिए वो पब्लिक को सुविधा नहीं मिल रही। मैडम ने जो बात की है महिलाओं पे अत्याचार, मणिपुर में तो इनकी आवाज ही नहीं निकलेगी मैडम। राजस्थान की बात हो रही है, राजस्थान में भी क्राइम कंपैरिजन नहीं है, राजस्थान की बात कर रहा हूँ, महिला सुरक्षित है यहाँ। आप माउंट आबू में आधी रात को गोल्ड पहन के निकलिए, कोई आपको यहाँ हाथ नहीं लगाएगा। बहन बेटियों के साथ रेप हो रहा है मैम, कहाँ हो रहा है आबू में, कहाँ हुआ है? आप सिरोही डिस्ट्रिक्ट में देखिए मैडम, इन केस अगर कोई कार होता है तो तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होती है, नेग्लेक्ट तो नहीं किया जाए, FIR दर्ज होती है, बंदे को अरेस्ट किया जाता है। तो डेवलपमेंट और सेफ्टी 100% राजस्थान में मिल रही है, इतना बड़ा स्टेट है मैडम, जहाँ छुटपुट वारदातें होती है तो उस पर कार्रवाई तो होती है। हमारे मुख्यमंत्री जी आके स्टेटमेंट तो देते हैं, दूसरों की तरह तो नहीं है छुपके जाके बैठ जाते, कार्रवाई तो करते हैं ना। और कल्प्रिट होगा चाहे वो कोई भी धर्म का हो, इस देश के अंदर उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होती है। युवाओं के मुद्दे, नौकरियां दी जा रही है, क्या चाहते हैं आप, क्या विकास होगा? हमारा विकास यही है मैडम, अच्छा काम करो, सड़क बनाओ, सड़क बनवानी चाहिए, कोई भी मतलब मुद्दे मतलब काम करवा। मैडम किसे अपना समर्थन दे रहे हैं? कांग्रेस पार्टी को। जी क्यों? राजस्थान सरकार ने, राज्य सरकार ने जो जनता को दिया है, अभी तक 15 वर्ष में विधायक बीजेपी के रहे हैं, स्थानीय मुद्दों को लेकर अभी उन्होंने कभी कोई चर्चा नहीं की। स्थानीय मुद्दे जो मूलभूत आवश्यकता होती है एक व्यक्ति की, रोटी कपड़ा और मकान, इन्हीं मेरे भाइयों से पूछो, इनके जमीन के पट्टे कांग्रेस सरकार ने दिए। कांग्रेस सरकार ने जो मुद्दे डेवलपमेंट दिया है, आज घर घर अनाज मिल रहा है, स्कूटी योजना है, महिलाओं को सुरक्षा है, पेंशन योजना है, प्लस नए भर्तियां हो रही है राजस्थान में। राजस्थान सरकार में कांग्रेस के अलावा कोई दे नहीं सकता, 5 साल इधर बीजेपी की सरकार थी मगर कभी कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। यही बीजेपी वाले धरने पे बैठे थे माउंट आबू के मुद्दों को लेके, तो भी इनके सुननी नहीं थी, चेयरमैन भी यही बैठा था मैडम। तो आबू राजस्थान में सिर्फ कांग्रेस 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 ही डेवलपमेंट। प्रदेश में तीसरे मोर्चे का स्वागत किया जा रहा है सर, दोनों बड़ी पार्टियों के अलावा, बताएं सर प्रदेश में तीसरे मोर्चे का स्वागत आप कर रहे हैं? नहीं, तीसरा मोर्चा तो है ही नहीं, प्रदेश में तीसरा मोर्चा है ही नहीं, प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ गहलोत है, गहलोत सरकार है, कांग्रेस है, बाकी कोई नहीं बचा प्रदेश में, बीजेपी भी नहीं बची, बीजेपी भी नहीं बची है, क्योंकि जनता को इतनी राहत कांग्रेस ने दी है कि आप सब सारी जनता खुश है। महंगाई राहत के तहत सिलेंडर सस्ता दिया गया, चिरंजीवी योजना जो कि जिसमें 25 लाख रुपए का मेडिक्लेम हर एक रहवासी को मिल रहा है, ये सबसे बड़ी योजना है जिसका पूरे भारत में इसको करना चाहिए, फॉलोअप करना चाहिए। किसे चाहते हैं? कांग्रेस। क्यों, क्या वो लोगों के लिए अच्छा भी कर रही है कांग्रेस, खेल के लिए भी अच्छा किया है कांग्रेस ने, और अभी जो ओलंपिक करे थे उन्होंने वार्ड वाइज वो भी अच्छा किया है, ऐसा हर किसी को युवाओं के लिए भी बढ़िया है, जो खेल आगे बढ़ता रहेगा, जो युवा थे उसको सबको बेरोजगार मिला मैडम, और जो 100 दिन का रोजगार था उसको 125 दिन कर दिया गहलोत जी सरकार ने, और यहाँ पे जो ओलंपिक हो रही ओलंपिक खेल प्रतियोगिता हो रही है वो सब बच्चों के लिए भविष्य के लिए अच्छा हो रहा है, और जो हमारे अशोक जी गहलोत ने जो योजना खोली अच्छी खोली है, और हमको हम अशोक जी गहलोत के आभार। देखिए मैडम, मैं राजस्थान और पूरे भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ माउंट आबू की बात कर रहा हूँ, और माउंट आबू की जनता यहाँ खड़ी है। पोलो ग्राउंड के डेवलपमेंट के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री वर्चुअल उद्घाटन करते हैं, आज तक एक ईंट नहीं रखी गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री पार्किंग की वर्चुअल
बैठक कर वर्चुअल उसका उद्घाटन किया पार्किंग का। आज तक पार्किंग के कोई ठिकाने नहीं है। यहाँ आने वाले पर्यटक पानी को लेकर, शौचालयों को लेकर, यहाँ की सफाई व्यवस्था और माउंट आबू के डेवलपमेंट के ज्यादा बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप एक पत्रकार है और आपसे निवेदन है, यहाँ से आप दिलवाड़ा तक जाइए, आपको पता चल जाएगा माउंट आबू का डेवलपमेंट क्या है। यहाँ पर इतना टूरिस्ट आता है लेकिन अदर देवी चले जाओ, दिलवाड़ा चले जाओ, अचलगढ़ चले जाओ, कहीं पे भी टूरिस्ट की टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, नहीं पानी पीने की व्यवस्था। इस माउंट आबू में सबसे ज्यादा धनी नगर पालिका है, सबसे ज्यादा वो खाली ये नकीले का है, इस जगह पर खाली एक टॉयलेट बना रखा है इन्होंने। और दिलवाड़ा पार्किंग में जाओ, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स तो पार्किंग में पैसे लेके और एक पार्किंग के अंदर टॉयलेट बना, कितने सालों से बंद पड़ा है, पूरा कांग्रेस ने भ्रष्टाचार कर रखा है। मैं जिस गांव से आता हूँ ना, उस गांव में कांग्रेस ने आज तक नरेगा का काम नहीं दिया है। बोलो, मैं यहाँ का लोकल एक आदिवासी हूँ और ये आदिवासी क्षेत्र है और सोमाराम जी यहाँ पर आते हैं, सिर्फ होटलों में मीटिंग करके चले जाता है, कोई भी किसी भी एरिया में गए हो तो मैं अभी लिखित के रूप में दे सकता हूँ कि इस मोहल्ले में सोमाराम जी आके विधायक होके भी माउंट आबू में आके और किसी भी किसी से भी पूछा हो कि ये क्या समस्या है माउंट आबू में, आज तक अभी ये 10 साल से रह रहे हैं यहाँ पर माउंट आबू का विधायक होते हुए भी एक भी कोई भी विधायक कोटे से कोई भी प्रस्ताव पास किया हो तो बता दे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो यहाँ पे ये आबू हिल स्टेशन है ना, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए। रही बात ये है कि कांग्रेस भाजपा एक राजनीतिक दल है, ये होता रहता है, इनका पक्ष विपक्ष होता रहता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है ना वो ये होती है कि अपने एरिया का नेता कौन सा अच्छा होना चाहिए, अपने एरिया में डेवलपमेंट करने वाला कौन होना चाहिए, उसके आधार पर ही आगे ऑटोमेटिकली नेता बन जाएगा। रही बात ये सबसे बड़ी चीज कि जैसे कोई भी घूमने आता तो उसको परेशान नहीं किया जाए सब चीज से, हाँ जो पर्यटक सुरक्षित रहेगा तो अपन भी धंधा पानी सब कुछ कर सकते, कमा सकते दो रोटी, ठीक है। और रही बात ये राजस्थान, जिस थाली में खा रहे उस थाली को ढोलो मत, ठीक है ना, क्योंकि कांग्रेस सरकार अच्छा कर रही है अपने लिए भी और भाजपा लोगों के लिए भी अच्छा कर रही है, ऐसा नहीं कि उनके लिए गलत कर रही है, ठीक है। परिपूर्ण तरीके से शांत है, हम तो कांग्रेस सरकार से परिपूर्ण तरीके से ये बौखलाए हुए, इनको पता है सत्ता बिल्कुल हाथ में नहीं आनी, सबराम जी कुछ करा नहीं तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है परिपूर्ण तरीके से राजस्थान में। चुनावी सफर में चुनावी चर्चाओं का दौर ऐसे ही जारी रहेगा। आज हमने माउंट आबू विधानसभा क्षेत्र की आम जनता की बात सुनी, चुनावी मुद्दों के बारे में जाना, उनकी राय जानी, आखिर क्या है जनता का मूड। ऐसे ही मैं आपको सीधे लेकर चलूंगी नेक्स्ट विधानसभा की ओर, नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम जानेंगे जनता की राय, आखिर जनता के क्या है मुद्दे, चुनावी मुद्दे क्या है, विधानसभा में क्या बड़ी चुनौती बन रही है, इन सभी तमाम सवालों के जवाब लेंगे जनता से। कैमरामैन अविनाश के साथ मैं महिमा जैन, न्यूज 18 राजस्थान।